वेलकम बैक टू चैनल गाइस, स्वागत है, खुशामदीद और गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 7 जुलाई, मेरे सफ़र का 7वां दिन और लंका भी चेटाई पंटाई चिनांग मतलब चिनांग बीच से हॉस्टल छोड़ दिया, गाड़ी लेके जेटी पे आ गया, बाइक जमा करवा दी और अब वापस जा रहा हूँ क्वाला पैलेस। देन उधर से मैं जाऊँगा हिच हाइक करते हुए पेनांग। तो क्वाला पैलेस के लिए देखता हूँ कितने बजे की फेरी है। लंका भी पेनांग, ये रही क्वाला पैलेस की। क्वाला पैलेस 1, विच टाइम? 1 o'clock। हाउ मच? ₹18 एंड फॉर कोला केदा हाउ मच? कोला केदा के लिए है 23 की फेरी और कोला पैलेस के लिए है 18 की। तो हमने ले लिए फेरी, 1 बजे की फेरी है और अभी हो गए हैं 12:50। कुछ खाने का विचार था लेकिन खाया नहीं है, सुबह नाश्ता कर दिया था हॉस्टल में और अब चलते हैं। अदनान भी आ जाओ जल्दी, अब चलते हैं हम हमारी फेरी की तरफ। मुझे लग रहा है मेरा सामान पहले से ज़्यादा हो गया है, खैर कोई नहीं, चलो। ए फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ ऐसा था कि उस दिन थी 7 जुलाई और 8 जुलाई, दो दिन में रहा था पेनांग में। हम लंकावी से पेनांग चले गए थे और बहुत ही गजब शॉट हुआ मेरे साथ में कि पेनांग और लंकावी के दोनों वीडियो में हर बार क्या करता था कि हर दिन के वीडियो एक साथ में कॉपी कर लेता था अलग मेरी हार्ड डिस्क में, लेकिन मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं रात में पेनांग लेट पहुँचा था। तो खैर दूसरे दिन जब मैं उठा, मैं पेनांग भी गया तो भी वीडियो मैंने अलग से स्टोर नहीं किए थे। और देन जैसे ही मैं शाम को मतलब पेनांग घूमने के बाद वीडियो को स्टोर कर रहा था तो मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, तो इस वजह से यार कुछ भी फुटेज मेरे पास में 7 और 8 जुलाई की बिल्कुल भी नहीं बची। तो खैर जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, तो मैं भी क्वाला लंपुर पहुँचने के बाद मैंने जैसे तैसे करके मेमोरी कार्ड को रिकवर किया और कुछ फुटेज मुझे पेनांग की मिली और कुछ फुटेज लंकावी की मिली, जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इतनी ज़बरदस्त की मतलब ट्रेजरी हुई थी, मैंने वहाँ पे हिच हाइकिंग भी की थी क्वाला पैलेस से। क्वाला पैलेस जब हम उतरे तो क्वाला पैलेस में पेनांग करीब 140 किलोमीटर हिच हाइकिंग करते हुए गया था, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, लेकिन क्या करें, अब जो हो गया सो हो गया। तो खैर मैं आपको पूरी ट्रेजरी बताता हूँ कि लंकावी से निकलने के बाद क्या चीज़ हुई थी और क्वाला पैलेस से मैं बटरवर्थ और बटरवर्थ से पेनांग कैसे पहुँचा। देखिए फिर आगे जो फुटेज है उसमें कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे और कुछ फुटेज है जिसके अंदर आपको पेनांग की हिस्ट्री टाट और शायद बातों फेरंगी बीच और भी शायद पेनांग की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्वाला पैलेस से लेके बटरवर्थ तक की जर्नी ऐसी रही कि क्वाला पैलेस हम पहुँचे करीब 1:30 बजे, उसके बाद अदनान की बस थी कुआलालंपुर के लिए तो बंदा निकल गया कुआलालंपुर और मैं करने लगा हिच हाइकिंग। तो क्वाला पैलेस से तो मुझे करीब 10-15 मिनट में क्वाला केदा तक के लिए एक बंदे ने लिफ्ट दे दी थी। क्वाला केदा पहुंचने के बाद मैं करीब में 1 घंटे तक हाईवे पर खड़ा रहा सुंगाई पिटानी, जो कि मेरा अगला स्टॉपेज रहने वाला था वहां तक जाने के लिए। करीब 1 घंटे के बाद में मुझे एक कार वाला मिला जिसने मुझे छोड़ा था सुंगाई पिटानी, और सुंगाई पिटानी पहुँचा जब तक करीब अंधेरा हो चुका था। देन सुंगाई पटानी एक पेट्रोल पंप पहुँचने मुझे छोड़ा था। देन वहाँ पे थोड़ी देर के बाद में एक ट्रेवल्स बस आई थी, अब ट्रेवल्स थी या फिर स्टेट गवर्नमेंट की थी ये पता नहीं है, कुल मिला के एक बस आई तो मैंने उसके ड्राइवर से बात की तो वो मान गया मुझको बटरवर्थ में हाईवे पर छोड़ने। एक्चुअली वो बस जा रही थी कुआलालंपुर और बटरवर्थ का रास्ता जो है वो कुआलालंपुर जाता है और एक तरफ बटरवर्थ अंदर सिटी में रह जाता है। तो खैर फिर उसने मुझे बटरवर्थ में बाहर बाईपास पे छोड़ा। बाईपास के बाद में मैंने लोगों को पूछा अंदर सिटी में जाने के लिए क्या तरीका है, तो कुछ पता चल नहीं रहा था, तो इस चक्कर में मुझे वहाँ पे बुक करनी पड़ी ग्रैब टैक्सी।
ग्रेप टैक्सी लेके मैं अंदर सिटी सेंटर पे गया। करीब ग्रेप टैक्सी में मुझे 3 या 4 रिंगिट पे करने पड़े थे, 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया था। देन बटरवर्थ में स्टेशन पे सिटी सेंटर जाने के बाद में मैंने ली एक फेरी जो कि मुझे पेनांग आइलैंड पहुंचाने वाली थी। पेनांग आइलैंड के लिए फेरी का टिकट था 1 रिंगिट 20 सेंट। देन उस टिकट का ऐसा है कि आपको एक साइड का टिकट मिलेगा, आपको टिकट लेना है, फिर उस टिकट को संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पेनांग आइलैंड चले जाइए, पेनांग आइलैंड में घूमने के बाद आप जब कभी भी चाहे वापस रिटर्न आ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। पेनांग आइलैंड में फेरी टर्मिनल पर पहुंचने के बाद में जिस तरह से केएल मतलब कुआलालंपुर में गो केएल बस चलती है या फिर रैपिड केएल बस है, उसी तरीके से पेनांग में भी रैपिड पेनांग करके लोकल बस ऑपरेट होती है। देन मैंने वो बस ली और अपने हॉस्टल गया। तब तक मुझको रात के 11 से 12 बजे के बीच का टाइम था और हॉस्टल मुझको बहुत ही वहाँ पे बकवास मिला था। 25 रिंगिट मैंने उस हॉस्टल के लिए दिए, लेकिन हॉस्टल में बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं थी क्योंकि पेनांग एक्चुअली में बहुत महंगा है, वहाँ पे रहने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है और खाने के लिए भी बहुत महंगा है। तो खैर फिर मैं रात को हॉस्टल में सोया, देन सुबह मैंने हॉस्टल चेकआउट किया और निकल गया पेनांग को एक्सप्लोर करने के लिए। पेनांग एक्सप्लोर करते हुए मैं पहुंचा पेनांग हिल पे जहां पे मुझे सबसे पहले जाना था। तो पेनांग हिल बहुत ज़्यादा महंगा अट्रैक्शन है, वहां पे एंट्री फीस है करीब 70 रिंगिट के आसपास। देन आपको वो हिल पे ले जाएंगे जहां से पूरे पेनांग का व्यू दिखता है। हिल पे पहुंचने के बाद में वहां पे शायद एक स्काई ब्रिज भी है, उसके लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो मैं तो पेनांग हिल पे ज़्यादा देर रुका नहीं और ना ही मैंने वो टिकट लेके ना ही मैं हिल पे ऊपर गया और ना ही कुछ और एक्टिविटी की। देन पेनांग हिल से मैं वापस निकला और गया फोर्ट कार्निवल पे। फोर्ट कार्निवल पे घूमा, देन मैं गया ये स्ट्रीट आर्ट की तरफ। स्ट्रीट आर्ट में अगर बंदा आपके साथ में कोई है तो फ़ोटो वगैरह लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है। स्ट्रीट आर्ट के पास में है लिटिल इंडिया, साउथ इंडिया, वहाँ गया, कुछ खाना खाया। देन मैं वहाँ से निकला बातू फिरंगी बीच की तरफ। बातू फिरंगी बीच सिटी से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर है। तो भाई लंका से निकलने के बाद में 2 दिनों की पूरी ये स्टोरी रही। अब कार्ड हो चुका तो हो चुका, उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे वाले वीडियो कंटिन्यूसली है। टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बजे, 9:15 बज रही है। बातू फिरंगी बीच गया था, वहाँ पे शाम हो गई, बैठा रहा, देखा नज़ारा, बहुत अच्छा है बातू फिरंगी बीच, आप जा सकते हो। उसके बाद वहाँ से ली रैपिड पेनांग लोकल बस और 2 रिंगिट लगे और मैं आया फेरी पे, फिर फेरी ली और आया बटरवर्थ। फेरी वापस आने के लिए फ्री है, सिर्फ जाते टाइम पैसे लगेंगे 1 रिंगिट 20 सेंट और उसके बाद फ्री है। अब फेरी से टर्मिनल आया वापस बटरवर्थ और यहाँ से लिया मैंने बस का टिकट केएल सेंट्रल के लिए, मतलब कुआलालंपुर के लिए। तो अब मेरी बस है लगभग 15 मिनट के बाद में और मैं वेट कर रहा हूँ बस का कि बस आ जाएगी, फिर मैं जाऊँगा कुआलालंपुर। पेनांग बहुत बड़ा है, आप 2-3 दिन आराम से गुजार सकते हो।
कुआलालंपुर जाने का ऐसा एक तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं लग रही, मुझे बुखार आ रहा है और गला भी ख़राब है कल से, और उसके बाद मुझे जाना है मलेक्का। मलेक्का मुझे एक्सप्लोर करना है, मेरे पास दिन है सिर्फ 9 और 10, और आज 8 पूरा हो गया, 9 और 10 दो दिन है। तो मैं पहले कल सुबह कुआलालंपुर जाऊँगा और रुकूँगा मैं अपने वही हारिस जो मुझे काउचसर्फर पर मिला था उसके यहाँ पर। तो खैर अब अपन मिलेंगे सीधा कुआलालंपुर में। तो ये पिनांग का वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल नए व्लॉग में मिलेंगे हारिस के घर के बाद में कि मैं मलेक्का जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। तो खैर जो भी है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इन्फॉर्मेशन भी लोगों में शेयर करो यार। और अगर इन्फॉर्मेशन वाले प्योर इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो देखने हैं तो मैंने दूसरे वीडियो बनाए जिन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन, आप वो वीडियो देखो। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, सो जाए।